विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय शौर्य जागरण यात्रा बद्रीनाथ धाम से पवित्र ध्वज एवं जल कलश लेकर रुद्रप्रयाग पहुंची। यहां कोटेश्वर महादेव मंदिर के महंत शिवानंद गिरी महाराज विहिप के जिला अध्यक्ष भरत रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने ढोल वाद्य यंत्रों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए यात्रा का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा पूरे देश में कोटि कोटि भारतीय सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा व जलाभिषेक के लिए प्रसिद्ध नदियों संगमों व धामों से जल कलश को अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। वहीं आज विहिप एवं बजरंग दल की शौर्य यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां सैकड़ों लोगों ने यात्रा में शामिल होकर संगम स्थल का जल कलश यात्रा रथ में रखकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए और हिंदुओं से एकजुट होकर अपनी सनातनी परंपरा को बचाने का आह्वान। हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा यह शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ गणेश चतुर्थी के अवसर पर बद्रीनाथ धाम से यज करके और रावल जी द्वारा सरस्वती का जल और एक पूजित ध्वज दिया गया, तब यह यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो अपनी देवभूमि है, इस देवभूमि में राक्षसों का कब्जा ना हो, इस देवभूमि में लव जिहाद ना हो, हमारी बहन बेटी किसी विधर्मी की शिकार ना हो। इस यात्रा का उद्देश्य है जिस गौ माता को हम पूजते हैं वह गौ माता सुरक्षित रहनी चाहिए। जो हमारे मान बिंदु हैं, जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, वह सुरक्षित रहनी चाहिए। इस यात्रा का ये उद्देश्य है। यात्रा का मकसद है समाज का शौर्य जागरण। भगवान कृष्ण ने द्वापर में युद्ध और धर्म स्थापना के लिए ज्ञान दिया था। आज ये यात्रा भी समाज को जागरण करने के लिए निकली है, समाज को चुनौतियां बताने के लिए निकली है कि आज समाज के सामने जनसंख्या अनियंत्रण, लव जिहाद, जिहाद और अन्य प्रकार की जो विषमताएं समाज के अंदर, वामपंथी विचारधारा है, वो सेकुलरिज्म की विचारधारा है, अन्य चुनौतियाँ जो समरसता कुछ समाज की समाप्त किया जा रहा है, जातिवाद को जो बढ़ाया जा रहा है, उन चुनौतियों से समाज को अवगत कराने के लिए यात्रा निकली है।